Morning, everybody. हम अपना short introduction दे देते हैं. My name is Pratyush Kumar Singh. I did my BTech from IIT Kanpur. In the year 1984-88. उसके बाद एक जॉब भी हम ज्वाइन किए टेलको में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. बट आई सून लेफ्ट द जॉब एंड आई स्टार्टेड टीचिंग. अब करीब 26 साल हो गया हमको, 26 years now, teaching physics and mathematics to students who are preparing for JEE and now NEET also, or AIMS. ये जर्नी मेरा बड़ा लंबा है, 26 साल से पढ़ा रहे हैं. ये जर्नी मेरा अभी छोटा है, 3 साल से हम अपने यहाँ नीट और एम्स के स्टूडेंट को भी अपने बैचेस में इंक्लूड करना शुरू किए. बट दिस इज हाउ आई स्टार्ट एंड आई टीच 2 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. और अपार्ट फ्रॉम मी देर आर 2 मोर टीचर्स, अ केमिस्ट्री टीचर एंड अ बायो टीचर. एंड आई टीच physics and maths. Pratyush, this is SK Sahu sir and this is A Pathak. So this is our team. Iske alawa 8th 9th 10th kafi bachchon ka class hota hai, science and maths. For classes 8th 9th and 10th there is one single teacher, brilliant teacher, Dharmendra sir. So this is our team at Pratyush classes. Pratyush classes team. और अब उस टीम में एड ऑन हो गया है 2 सपोर्ट सेंटर्स, जहां पे आप मेरा लाइव लेक्चर्स देख पाएंगे थ्रू द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज. कुछ पॉइंट्स हम यहां पे लिखे हैं जो आपके साथ आज हम डिस्कस करेंगे. पॉइंट्स टू डिस्कस सिस्टमैटिकली हम यहां पे 10 पॉइंट्स पहले से सोच के रखे हैं कि इन्हीं 10 पॉइंट्स पे आज हम फोकस करेंगे. पहला, द सपोर्ट सेंटर ऑफर्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. हम रांची में हैं, आप रांची से बाहर हैं किसी जगह. अगर आप जरा सोचिए कि आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करने जा रहे हैं उसके लिए यू नीड अ वेरी वेरी प्रोफेशनल गाइडेंस. माने अराउंड 15 लाख एस्पिरेंट्स जो अपीयर करते हैं हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. एंड द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, दिस इज द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स and seats available is a very very small fraction, around say 50,000 seats available. और ये हम बात कर रहे हैं including all the IITs, the NITs and the GFTIs बोलते हैं. IITs you know, Indian Institute of Technology, NIT is National Institute of Technology and GFTI is government funded technical institutes. For example, BIT Mesra is a GFTI. And including all these institutes, the total available seats, all branches included, computer science, electronics and communication, electrical engineering, mechanical engineering, civil engineering, chemical, aeronautical, environmental science,
सबको जोड़ दीजिए तो इतना सीट्स, तो जस्ट सी द फ्रैक्शन 5000 डिवाइडेड बाय 1500000, हम जरा कैंसिल आउट कर दें तो 5/1500 इज 1/300, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग अ सीट इन वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ अवर कंट्री इज एज लो एज 1/300, मतलब हर 300 लोग जो तैयारी कर रहे हैं पूरे देश में उसमें से आपको अगर एक सीट चाहिए इन संस्थाओं में से किसी में, तो यू मस्ट बी वन अमंगस्ट दोज 300. सो इट इज इंडीड वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. एग्जामिनेशन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो एक एस्पेक्ट है, बट एक्चुअल डिफिकल्टी है द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स. That makes the competition really very, very tough. तो आपको जो अपॉर्चुनिटी हम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं थ्रू द इंस्टॉलेशन ऑफ दी सपोर्ट सेंटर्स इन सो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन आवर स्टेट, वो बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप जहां हैं, आप जिस जगह पे भी हैं वहीं पे अपने घर पे रह करके और तैयारी कर सकते हैं. You don't have to come all the way to Ranchi. माने cost effective भी है, आपका काफी पैसा भी बचेगा क्योंकि आप रांची आएंगे तो आपको hostel fees, खाना पे पैसा खर्च करेंगे, आने जाने में खर्च होगा, too many expenditures. तो वो expenditures आपका curtailed हो जाएगा, आप घर के comfortable environment में रह करके तैयारी कर सकेंगे. Just imagine the opportunity. और पढ़ने के लिए जरूरी नहीं होता है रांची जाना, जो अच्छा विद्यार्थी है जो बहुत मेहनत कर सकता है वो जहां है वहीं पे मेहनत कर सकता है, उसको जरूरत नहीं कही जाने की. केवल आपको चाहिए एक गुड गाइडेंस, गुड गाइडेंस, दिस रियली हेल्प्स. विराट कोहली चाहे जितने भी अच्छे बैट्समैन हो उनको भी एक गाइड चाहिए, उनको डेली केवल नेट में प्रैक्टिस करना है 6 आवर्स, लेकिन एक गाइड रहता है जो उनके साथ खड़ा रहता है. तो एवरी स्टूडेंट नीड्स अ गुड गाइड, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड एट दीज सपोर्ट सेंटर्स. अब देखें आप कितना यूज कर पाते हैं इन इस अपॉर्चुनिटी को, लेट अस सी. बट यू शुड रियली बी थैंकफुल कि इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है और कई लोग हैं जो इसको यूज करके आप तक ये लेक्चर्स तक पहुंचाने का उपाय. द सेकेंड पॉइंट वॉज, नाउ लेट अस कम टू द एकेडमिक्स पार्ट. द सेकेंड पार्ट वॉज इज बोर्ड एग्जाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्ट्राइकिंग अ बैलेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जब क्लास 10th में एग्जाम देते हैं ना, क्लास 10th, वो बहुत ही एक उसका जो सिलेबस कंटेंट है वो बड़ा ही छोटा सा है. एग्जामिनेशन के 2 महीना पहले भी कोई बच्चा अगर चाहे तो बस उसी समय से शुरू करे रटना, क्लास 10th का किताब से तो पतला पतला होता है, बस उसी समय से पढ़ाई शुरू करे कोई बच्चा 2 महीना के अंदर, तो क्लास 10th में वो आराम से 90% से ऊपर ले आएगा. उसमें जो आप मैथ्स पढ़ते हैं क्लास 10th में वो सबको पढ़ना है, मतलब आप भविष्य में इंजीनियरिंग ऑप्ट करना चाहते हैं या मेडिकल या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज, सबको पढ़ना है क्लास 10th का मैथमेटिक्स. तो उसका स्टैंडर्ड आप समझ सकते हैं ना कितना हल्का होगा, बहुत हल्का. और क्लास 10th का भी जो साइंस है वो एक साइंस नहीं बल्कि जनरल अवेयरनेस जैसा है, जो हर व्यक्ति को उतना साइंस और उतना मैथ्स आना चाहिए. बट सडनली जब आप क्लास 11th में जब ट्रांजिशन होता है क्लास 11th में, अब एक सी चेंज होता है. जैसे ना एक तालाब से निकल के, एक कुआं से निकल के एक मेंढक को और हम समंदर में छोड़ दें, something like that. That is the difference
between the syllabus of class 10th and class 11th 12th. तो आप क्लास 10th में कोई बच्चा ना बहुत नंबर लाता है मैथ्स में, मान लीजिए 100 में 100 ले आया, अब वो एक्साइटेड हो गया, उसको लगा कि हम बहुत तेज हैं, अब हम कुछ भी कर सकते हैं. माय सजेशन इज क्लास 10th का जो रिजल्ट आपका है उसको ना डस्टबिन में डाल दीजिए. बिलीव मी, डस्टबिन में डाल दीजिए. माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, आई एम अ मैथमेटिशियन, आई हैव रिटन सो मेनी बुक्स. आपके सेंटर पे भी रहेगा वो सब बुक्स, आप देखिएगा. एंड आई एम एन आईटीएन आल्सो. आई कैन टेल यू क्लास 10th का जो रिजल्ट है उसको डस्टबिन में डाल दीजिए एंड स्टार्ट अफ्रेश. क्योंकि अब आप क्लास 10th का जो मैथ्स का पूरा बुक होगा, एंटायर बुक, वैसा अब मैथ्स का एक चैप्टर होगा इन क्लास 11th. अब क्लास 11th का जो पढ़ाई है उसके लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी चाहिए, सिर्फ एक, वो है इंग्लिश में लिख रहे हैं डिलीजेंस. देर आर टू वर्ड्स, एक इंटेलिजेंस एंड एक है डिलीजेंस. इंटेलिजेंस माने सब कोई जानता है और डिलीजेंस का मतलब मेहनत, हार्डवर्क. तो इंटेलिजेंस का यूसेज 1% है और डिलीजेंस का आवश्यकता 99% है. नाउ जब आप क्लास 11th में पहुंचेंगे तो आप ना आप भ्रम में मत रहिए कि आप बहुत बुद्धिमान हैं तो हम क्लास 11th में बहुत अच्छा कर देंगे. ये भ्रम सबको होता है. हम भी जब स्टूडेंट थे ना तो क्लास 11th में हम अपने मित्रों से मान लीजिए थोड़ा अधिक बेहतर होंगे न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, तो हमको एक भ्रम होता होगा कि हम बहुत तेज हैं. अब हम कुछ, अब तो न्यूटन से हम थोड़ा ही सा कम तेज होंगे न्यूटन, ऐसा भ्रम होता है स्टूडेंट लाइफ में. क्लास 11th में अपने कलीग्स के साथ आप तुलना करते हैं कि हम थोड़ा सा अच्छा है, तो यू स्टार्ट फीलिंग आई एम टू गुड. बट द ट्रूथ इज कि जब तक आप अपने बुद्धि को तो डस्टबिन में डाल दीजिए, इसको थ्रो इट इनटू द डस्टबिन. सारा क्रेडिट जाएगा कि आप कितना मेहनत करते हैं. मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करना है. क्लास 10th में जो पढ़ाई की ना वो खिलौना जैसा था, मतलब खेलते खेलते. लेकिन अब यहां आकर के आप अगर सोच रहे हैं जीवन में अच्छा करना, मैंने उस फ्रैक्शन में आना, 1 out of 300 में आप चाहते हैं आना, अगर चाहते हैं, आपकी मर्जी. हम किसी भी चीज को कितना इलोंगेट कर सकते हैं वो आपकी मर्जी. आपको स्ट्रेच करना है अपने आप को, अब बहुत स्ट्रेच करना है. जो जितना स्ट्रेच करेगा उतना पाएगा. जैसे कि मान लीजिए कि किसी को मन है कि हम केवल बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा कर ले, 2 साल बाद दीजिएगा ना बोर्ड एग्जाम्स, तो बोर्ड एग्जाम्स में हम अच्छा कर ले, बस मेरा उद्देश्य उतना ही तक है सीमित, बस. हाँ, तो इतना अपने आप को स्ट्रेच कीजिए, काम चल जाएगा. अगर किसी को मन है कि जेई का जो मेन्स एग्जाम है या जो नीट का जो एग्जाम है उसमें हम अच्छा करें, तो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच कीजिए. और किसी को मन है कि हम जेई एडवांस भी क्लियर करें, किसी आईटी में एडमिशन हो. और मेडिकल वाले स्टूडेंट को मन है कि हम एम्स में कम्पीट करें. हाँ, तो इतना से नहीं काम चलेगा, आप इतना स्ट्रेच कीजिए, इतना कि अब एकदम ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग पहुंच जाए आप. उतना मेहनत अगर आप कर सकते हैं तभी जा करके आप सपना देखिए आईआईटी और एम्स का. ये मेहनत इसलिए नहीं करने का जरूरत पड़ता है क्योंकि द क्वेश्चन आर टफ. नो नो, नॉट एट ऑल. किसी क्वेश्चन का औकात नहीं होता है. अगर आप बढ़िया से तैयारी कीजिए, कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हो जाएंगे, तो किसी भी क्वेश्चन को आप बनाते वक्त कभी परेशानी नहीं होता है. परेशानी है इसके कारण, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज लार्ज, द सीट्स अवेलेबल इज स्मॉल. अगर 300 का 300 बच्चा भी आइडेंटिकल हो मेहनत में तो भी एक ही को ना मिलेगा. दैट इज द प्रॉब्लम. सो देयर इज इंडीड अ काइंड ऑफ डेस्टिनी फैक्टर. आप अगर डिस्टाइंड नहीं है तो, लेकिन ये सब चीज को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए. सारा महत्व दीजिए मेहनत पे. अल्बर्ट आइंस्टीन का बड़ा फेमस है एक प्रोवर्ब,
वो शेयर करते हैं आपके साथ. सक्सेस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% perspiration. This is famous Einstein's proverb. वो कह रहे हैं inspiration, inspiration मतलब जो हम आपको देंगे ना, हम आपको inspire करेंगे पढ़ने के लिए. हर lecture एक inspiration है आपके लिए. You would like to be as good as the teacher himself. So that is the inspiration. और ये है perspiration का मतलब पसीना बहाना. To perspire means to sweat. Biology word है, तो biology में पढ़े हैं. तो आपका जो success है ना, उसका मंत्र है यही. 1% मेरा contribution होगा आपके life में, 1%. हाँ, but वो बड़ा meaningful contribution है. व्यर्थ नहीं जाएगा वो contribution. क्योंकि मेरा भी तो एक experience है ना, 25 साल का, 26 साल का, जो हम आपके साथ share करेंगे. वो एक दिन में नहीं अर्न किया जाता है. इट इज टू मच ऑफ हार्ड वर्क. यू सी, जब हम न्यूमेरिकल्स आपके सामने बनाएंगे, यू सी द स्ट्रेंथ ऑफ माय प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. तो वो आपको इंस्पायर करेगा. लेकिन होशियार आप बनिएगा कि नहीं, वो कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पसीना बहाते हैं. तो 99% आप अगर कर जाइए कॉम्पिटिशन में, तो क्रेडिट आपको, कुछ हमको भी मिलेगा. सबको बोलेंगे ना कि हम इनके गाइड थे. लेकिन फेल कर जाइए तो भी सारा जिम्मेदारी आपका होगा. मेरा इतना होगा, आपका इतना. सो रिमेंबर दिस. तो बोर्ड एग्जाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये कंपल्सरी है, सबको देना है बोर्ड एग्जाम्स. 11, 12 पास करेंगे ना भाई सबको, तो उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा. पास कर जाइएगा, सब कोई कर जाइएगा, अच्छे अंकों से कर जाइएगा. अब एकदम पढ़ेंगे ही नहीं, अब हम तभी कैसे कीजिएगा. मैंने अब जो आपका जो जीवन है ना क्लास 11th में, वो कुछ इस तरह से है कि आपको स्विमिंग आता हो या ना आता, हम आपको फेंक देंगे समंदर में, नदी में. अब आप तैर करके, अगर नदी पार करके बाहर आ सकते हैं तो आ जाइए, नहीं तो डूब के मर जाएंगे. नाउ दैट इज द स्ट्रगल दैट यू आर गोइंग टू फेस नाउ फ्रॉम क्लास 11. अब कोई आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आपके पेरेंट्स नहीं हेल्प कर पाएंगे क्लास 10th में, ये थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं. नाउ यू आर ऑन योर ओन. या तो तैर के निकल जाइए या डूब के मर जाइए. That is the amount of struggle that you are going to face. It is cruel, but it is true. So board exams or competitive exams में जो अंतर है वो यही है. यहाँ लिखे हैं striking a balance. मतलब हमको तो दोनों साथ तैयारी करना है ना. ऐसा तो नहीं है कि पहले board exams का तैयारी कर लेते हैं, दे लेते हैं, फिर competition देंगे. नहीं, ऐसा नहीं करना है. तो उसका जो पढ़ाई है ना, इसका जो पढ़ाई है और उसका पढ़ाई, दोनों सेम है, दोनों एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा अंतर है. जैसे आप कोई एक चैप्टर पढ़ना शुरू किए, द सिलेबस इज सेम, द सिलेबस इज एग्जैक्टली द सेम. बोर्ड एग्जाम्स का सिलेबस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस, दे आर सेम. हम अंडरलाइन कर दिए हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आपके दिमाग में. इट इज, दे आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स. कह रहे ये तो बोर्ड का तैयारी कर रहा है, ये तो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है. नो, दैट इज ऑल नॉनसेंस. द चैप्टर्स आर आल्सो एग्जैक्टली द सेम, नॉट इवन वन सिंगल चैप्टर इज डिफरेंट. लेकिन अंतर कहां होता है सो बताते हैं. अब मान लीजिए कि हम फिजिक्स में फॉर एग्जाम्पल पहला चैप्टर हम पढ़ना शुरू करेंगे, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन. ये हम पहला चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे फिजिक्स में. एक पार्टिकल होगा चीटी, बोर्ड पे ट्रेवल कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, यहां था, थोड़ी देर बाद यहां चला गया, थोड़ी देर बाद यहां, थोड़ी देर बाद यहां, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है. तो हम उसके मोशन को एनालाइज करेंगे. दैट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट चैप्टर.
अगर हम सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में इंटरेस्टेड हैं स्कूल के एग्जामिनेशंस को पास करने में, मान लीजिए, तो हम खाली उसका जो किताब में लिखा होगा कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी, दैट इज अ ब्यूटिफुल वेरी वेल रिटन बुक, तो आप एनसीईआरटी किताब में पढ़े पहला चैप्टर पढ़े, उसके उसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व किए, अब बस बात खत्म। अगर आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में इंटरेस्टेड हैं तो बात वहीं समाप्त। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंटरेस्टेड हैं, जो कि हैं, हम सब हैं यहाँ पे इकट्ठा हुए ही हैं क्योंकि हम लोग इंटरेस्टेड हैं, तो तब क्या करना होगा कि एनसीईआरटी में जितना सवाल सब बनाया हुआ है वो तो बनाना ही पड़ेगा, जो लिखा है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो सबको पढ़ना है, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट हो, चाहे जेईई का स्टूडेंट हो या बोर्ड खाली देना, वो सबको पढ़ना है। लेकिन उसके बाद कुछ फर्दर मोर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना होगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंटरेस्टेड हैं तो। और कितना न्यूमेरिकल्स, ओ दैट नंबर हैज टू बी वेरी वेरी लार्ज, क्योंकि 300 लोग हैं ना आपके कॉम्पिटिशन में, सब कोई तो मेहनत कर रहा है, जितना चीनी घोलिएगा उतना मीठा होगा। तो अगला अगर अपने आप को इतना स्ट्रेच कर रहा है तो आप इतना कर लीजिए, क्योंकि इवेंचुअली जो सबसे ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच करेगा, लोग रट जाते हैं एक पॉइंट के बाद ना, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस इतना करता है लोग कि रटा जाता है न्यूमेरिकल्स। एग्जामिनेशन हॉल में जब जाइएगा आप, तो एक भी न्यूमेरिकल ऐसा आपको नहीं मिलना चाहिए जो आप कभी देखे नहीं है। हमको दीजिए, आप जैसे ही न्यूमेरिकल दीजिएगा ना, तो पीछे नेपथ्य में बैकग्राउंड में मेरे ब्रेन के वो जमा है, वो तुरंत रिकॉल करके मेरा ब्रेन अ सॉल्यूशन बता देता है, आई डोंट हैव टू थिंक। उस स्टेज में पहुंचना है, माने इंटेलिजेंस पे बिल्कुल भरोसा नहीं रखना है एग्जामिनेशन हॉल में, दिस विल नॉट हेल्प एट ऑल, क्योंकि बड़ा कम समय होता है, जल्दी 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 सब क्वेश्चंस को देखे टिकिए देखे टिकिए देखे टिकिए। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो अंतर कहां है हम बता दिए आपको, आप अगर बोर्ड एग्जाम्स तक तैयारी करना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट सीखिए, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कीजिए, बात खत्म, रिलैक्स कीजिए। और कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो अब वहां तक तो पढ़ना ही है, उसके बाद फर्दर मोर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड मोर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड येट मोर नंबर ऑफ वॉल्यूम, भूख होना चाहिए, और सवाल बना लें और सवाल बना लें और बना लें। अब वो हम प्रोवाइड करेंगे आपको, वो आपके सपोर्ट सेंटर पर प्रोवाइड किया जाएगा, माने आपको आपके आप थक जाइएगा लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं थकेगा, आप यू विल गेट एन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स टू सॉल्व एंड गुड क्वालिटी, नॉट वेस्ट, क्योंकि सब कुछ कंट्रोल हो रहा है बाय मी। तीसरा लिखे हैं एकेडमिक रूटीन टाइम मैनेजमेंट, वो तो हम आपको बता ही दिए कि इतना ज्यादा मेहनत करना है तो अब आपको समय तो पूछिए मत कि कितना देर पढ़ना चाहिए, दैट इज अ क्वेश्चन जिसका आंसर बड़ी सिंपल है, कितना देर सर कितना देर पढ़ें। अचानक से ना आप क्लास टेंथ में एकदम बच्चा है, छोटा बच्चा है, अब टेंथ से इलेवेंथ में आते ही अब आपसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि ना यू बिकम मास्टर, अब आपको जो पढ़ाई करना है वो मतलब आप आइदर यू आर स्लीपिंग और यू आर स्टडिंग, मैंने समझ गए होंगे ना आप सर, मैंने सो रहे हैं पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं पढ़ रहे हैं एंड डूइंग नथिंग, यानी आपका रूटीन कुछ ऐसा होगा, स्लीप देन यू वेक अप एंड स्टडी देन स्लीप देन अगेन यू वेक अप एंड स्टडी, दैट्स द साइकिल, स्लीप स्टडी एंड दिस गोज ऑन एंड डू नथिंग फॉर 2 years। ये सब समस्या है उस फ्रैक्शन के कारण, वो याद रखिएगा। तो आपकी मर्जी ना, हम इंडिया के नेशनल क्रिकेट टीम में चाहते हैं अपने लिए स्थान, तो हम 15 ही लोग को ना ले जाएंगे, कहीं भी जब टूर करने जाता है इंडियन टीम तो 15 लोग जाते हैं, उसमें से भी खेलते 11 लोग हैं। तो आप डिसाइड कीजिए ना कि आप कितना चाहते हैं, आप आईपीएल तक खेल के संतुष्ट रहना चाहते हैं कि हम खाली रणजीज खेल करके नेशनल लेवल पे मैचेस खेल के संतुष्ट, की मोहल्ला लेवल पे क्रिकेट खेल के यू आर हैप्पी, तो यू हैव टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ इनपुट, यू हैव टू डिसाइड। बट लेकिन बाद में नहीं रोइएगा,
क्योंकि ये आपका ब्रेन है, ये है आपका इनपुट और ये है आउटपुट. एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, द आउटपुट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट. मैंने जितना डाले उतना निकला, अब डाले इतनी सू मेहनत और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब हम होशियार हो जाएं इतना. नो, दिस डज नॉट हैपन. इनफैक्ट इट हैपन्स द अदर वे. आप डालिएगा इतना इतना मेहनत, होशियार होइएगा इतनी इतनी से. दैट इज द ट्रूथ. सो यू हैव टू स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम स्टडी. अब बचना है वो जो सोशल मीडिया सब है ना, फेसबुक और सब. फोन रखिए, डिजिटली स्मार्ट होइए, बी विद द वर्ल्ड द लेटेस्ट ऑफ लेटेस्ट, बट डोंट अननेसेसरली वेस्ट योर टाइम. अगले दो साल के लिए सिर्फ बोल रहे हैं ना, फिर आप रिलैक्स हो जाइएगा लाइफ में. अगले दो साल के लिए स्टे अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ नॉनसेंस. टीचिंग स्ट्रैटेजी हम यहां पे लिखे हैं. टीचिंग स्ट्रैटेजी जो होगा हमारा वो इंटेंसिव प्लस एक्सटेंसिव, मतलब खूब डीप होगा. कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे ना तो अस्थिर अस्थिर से पढ़ेंगे, चबा चबा के, हड़बड़ा के नहीं. और एक्सटेंसिव का मतलब खूब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे. सो डीप एंड वाइड. रिकमेंडेड बुक्स, मेरा जो फेवरेट बुक्स है वो है एनसीईआरटी. फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी एंड बायोलॉजी के लिए भी, इसके लिए एनसीईआरटी. दो मैथ्स के लिए दीज एनसीईआरटी बुक्स आर इनएडिक्वेट. तो मैथ्स के लिए कुछ किताब है जो मेरा लिखा हुआ है, एल्जेब्रा, कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. यही तीन टॉपिक है मैथ्स में जो हम लोग को पढ़ना है. इन तीनों पे एक सेपरेट सेपरेट बुक्स हम लिखे हैं जो आपके सेंटर्स पे अवेलेबल रहेगा. आप वहां से परचेज कर सकते हैं, आप या ऑनलाइन मंगा सकते हैं. ये एस चांद पब्लिशर है न्यू दिल्ली, उन वहीं से ये छपता है. और इसके अलावा दो बुक्स और है जो हम सिर्फ प्रॉब्लम्स का कलेक्शन लिखे हैं, प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स एंड प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स का दो बुक और है, सिर्फ कलेक्शन ऑफ पर्सनली चोजन प्रॉब्लम्स. दे आर जस्ट ब्रिलियंट. वो सभी विद्यार्थी को प्रैक्टिस करना चाहिए. ये सब अवेलेबल रहेगा आपके सेंटर पे. आप बुक्स आर क्वाइट चीप. किताब में पैसा खर्च करने मत कंजूसी कीजिएगा. ये सब किताब एकदम मस्त है, कंपल्सरी खरीदना ही चाहिए. इतना खरीद लीजिए, अपने कमरे में सजा दीजिए, उसके बाद धूल लगने दीजिए, मत पढ़िएगा. तो ये सब किताब कंपल्सरी है, खरीदना चाहिए और इनको रेगुलरली निकाल के और पढ़ना चाहिए. उसी में कलम आपका दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ इसमें विद्यार्थी पढ़ा है. टेकिंग डाउन नोट्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट है ना. जब हम लेक्चर्स देंगे तो हम एकदम ओल्ड स्कूल जैसा यहाँ सब बात लिखेंगे, फिर मिटा देंगे या आगे बढ़ जाएंगे. तो आपको जब हम लेक्चर्स दे रहे होंगे तो ज़रूरी है कि आप अपना कॉपी रखें, कलम रखें और आदत बनाएं नोट्स लिखने का. एकदम जो लिखें लिख लीजिए, जो लिखें लिख लीजिए. जब बोलें तो सुनिए, जब लिखें तो कॉपी कीजिए. और अगर अब तो टेक्नोलॉजी का ऐसा है कि अगर हम लेक्चर दे रहे हैं तो ऑल दोज लेक्चर्स जो हम बोल रहे हैं वो एक जगह रिकॉर्ड भी हो रहा है. यानी कि आप अगर अपने जो सपोर्ट इंचार्ज वहाँ होंगे उनको बोलिएगा कि सर जरा हमको नोट्स उतारना है एक मिनट, तो पॉज कर सकते हैं. द लेक्चर्स कैन बी पॉज्ड और हम यहाँ बोल रहे हैं, बट दैट डजंट मैटर, वो रिकॉर्ड हो रहा है. अब जब भी वो पॉज को फिर से प्ले करेंगे तो उसी समय से आगे आपका कंटिन्यू. सो यू विल नॉट मिस एनीथिंग. टेकिंग डाउन नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हैंड नोट्स आपके हाथ द्वारा लिखा हुआ, उसमें इतना ग्रो करता है आदमी हाथ से लिखने में. आप नर्सरी क्लास में थे ना, तो हम लोग ए नहीं लिख पाते थे ठीक से, शुरू में ई भी नहीं लिख पाते थे हम लोग. पूरा एक एक हफ्ता प्रैक्टिस होता था, फोर लाइन वाला कॉपी होता था जिसमें कि हम लोग पूरा एक एक वीक खाली ए लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, यही होमवर्क होता था. रिमेंबर दिस, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट.
तो हाथ से लिखना बहुत जरूरी है, सब बातों को नोट डाउन कीजिएगा. सो यू शुड टेक डाउन नोट्स. फिर लिखे हैं न्यूमेरिकल्स आर इंपॉर्टेंट, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको न्यूमेरिकल्स के इंपॉर्टेंस के बारे में. और यहां लिखे हाउ टू इंप्रूव योर स्किल, न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल है वो. सिर्फ जब शुरू कीजिएगा तो बहुत दिक्कत होगा, नहीं बनेगा न्यूमेरिकल्स, आप हतोत्साहित भी हो जाएगा आदमी कि यार बन ही नहीं रहा. ये आप अकेले नहीं है, हर दुनिया का व्यक्ति जब शुरू करता है पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा, दसवां आते आते अब उससे सॉल्व होना शुरू होता है. अब कुछ लोग ना पहला ही बनाएगा, नहीं बना, हमसे तो बनता ही नहीं, खत्म नहीं बनेगा. हमको स्विमिंग नहीं आता है, हमको स्विमिंग पूल में ढकेल दीजिए तो छटपटाएंगे, नेचुरल छटपटाएंगे ना. बट एक दिन छटपटाएंगे, दो दिन छटपटाएंगे, तीन दिन छटपटाएंगे, धीरे 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 स्लोली आपका नॉलेज इस तरह से ग्रो करेगा वक्त के साथ. यहाँ पे हम टाइम एक्सिस बनाए हैं और यहाँ नॉलेज. इमेजिन कीजिए कि टी बराबर जीरो, टी बराबर वर्टिकल लाइन हम बना रहे हैं ग्राफ. हम लोग सब क्लास टेंथ में ग्राफ स्केचिंग भी सीखे हैं. यहाँ पे टाइम एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड, दिस लाइन इज कॉल्ड टी बराबर जीरो लाइन. एक वीक बाद ये द टाइम लिखे हैं इन वीक्स. एक वीक टी बराबर वन वीक, टी बराबर टू वीक, टी बराबर थ्री वीक, टी बराबर फोर फाइव, टी बराबर सिक्स वीक. हम स्टार्ट करते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो मेरा नॉलेज इंडिकेट करता है. इन नॉलेज इक्वल टू जीरो, यानी टी बराबर जीरो समय पे मान लीजिए मेरा नॉलेज जीरो है. एक वीक बाद मेरा नॉलेज थोड़ा बढ़ गया, डॉट ऊपर मूव कर गया. क्रिकेट मैच दिखते नहीं है इधर रन्स, इधर ओवर्स, जैसे जैसे ओवर बीतता जाता है, फर्स्ट ओवर, सेकेंड ओवर, थर्ड ओवर, फोर्थ ओवर, रन्स बढ़ता जाता है, द डॉट मूव्स अप. सो द हाइट ऑफ द डॉट इंडिकेट्स द स्कोर ऑफ द टीम एट दैट पर्टिकुलर ओवर. पहला ओवर समाप्त हो गया 7 रन, तो डॉट जो है यहाँ से 7 यूनिट्स ऊपर, यहाँ पे 7 लिखा होगा. सेकेंड ओवर के समाप्ति पे 11 रन, यहाँ 11 के सामने डॉट होगा. एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, द ग्राफ ग्रोज ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, द नॉलेज आल्सो विल आल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग. बट दिस इज हाउ नॉलेज इंक्रीजेस, लुक हाउ इट इंक्रीजेस. यानी कि शुरू में देखिए एक वीक के बाद आप थोड़ा सा नॉलेज, फिर एक वीक बीता थोड़ा और नॉलेज ग्रो किया, अब आपका नॉलेज इतना हो गया. नॉलेज इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, थोड़ी देर के लिए मान लें कि हम लोग मेजर कर सकते हैं. एक वीक बाद थोड़ा सा और, एक वीक बाद इस तरह से देखिए वीक बीत रहा है. दिस इज द अमाउंट ऑफ नॉलेज जो आप ऐड कर रहे हैं. नाउ लुक व्हाट हैज हैपेंड टू द ग्राफ. शुरू में समय बीतता है थोड़ा थोड़ा नॉलेज, लेकिन बाद में कम कम समय में ही आप ज्यादा ज्यादा नॉलेज अक्वायर कर सकते हैं. सो न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए एकमात्र ही उपाय है, हैव पेशेंस. एंड हम रोज बनाएंगे चाहे जो हो जाए, ब्रेन शार्प होता है. आज भी हम उठते हैं और प्रतिदिन चाय पीते पीते सुबह में कोई एक टॉपिक उठाते हैं मैथ्स का या फिजिक्स का, और हम बस चाय पीते पीते और उसमें से देख करके 10 सवाल बना लेते हैं. इट कीप्स योर ब्रेन शार्प, बिलीव मी इट कीप्स योर ब्रेन शार्प. अगर हम आज छोड़ देना ये काम करना, तो आज से हम 1 साल बाद थोड़ा डल हो जाएंगे, 2 साल बाद, 5 साल बाद आपके जैसे हो जाएंगे. फिर से हमको शुरू करना होगा. द सिलेबस इज ह्यूज. अभी पूरा सिलेबस लिखने का आवश्यकता नहीं है. अभी आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो आप यू विल कम टू नो पूरा फिजिक्स का सिलेबस, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ्स का. द सिलेबस इज ह्यूज. मैथ्स इन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. एल्जेब्रा, कैलकुलस, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री. फिजिक्स एक 11th वाला पोर्शन अलग है, 12th वाला पोर्शन अलग है, केमिस्ट्री भी मैसिव है. अभी लिख देंगे सिलेबस तो डर जाइएगा. एक बार में एक चैप्टर पे ध्यान दीजिएगा. टोटल 21 चैप्टर पढ़ना है, तो हम अभी पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर, सोच रहे हैं अरे बाप 21 चैप्टर पढ़ना है. डोंट डू दैट. लेट अस टेक ऑल द चैप्टर्स वन एट अ टाइम. मोशन पढ़ रहे हैं तो मोशन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ग्रेविटी के बारे में मत सोचिए. एनी पोर्शन दैट यू शुड फोकस. ये भी एक भ्रम है लोग को कि सर कौन कौन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है उसको हम लोग पढ़ लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, फॉरगेट अबाउट इट. इतना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्वेश्चंस का एग्जामिनेशन पेपर में, एकदम इक्वल, यानी हर एक पोर्शन से क्वेश्चंस रहेगा. तो यू जस्ट कैन नॉट नेग्लेक्ट एनी चैप्टर. आपको सब पे
इक्वल अमाउंट ऑफ फोकस रखना है. एक और समस्या है, ये चैप्टर्स जो है ना वो लिंक्ड है चेन की तरह, एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा इस तरह से. यानी कि आप फिजिक्स का पहला चैप्टर अगर बढ़िया से नहीं पढ़े तो दूसरा नहीं समझ पाइएगा, और दूसरा नहीं पढ़े तो तीसरा नहीं समझ पाइएगा, तीसरा नहीं पढ़े पहला तीन नहीं पढ़े तो चौथा नहीं समझिएगा, और पूरा इलेवेंथ अच्छा नहीं हुआ तो ट्वेल्थ में हालत खराब हो जाएगा. यानी कुल मिला करके अब इस तरह का पढ़ाई इंडिपेंडेंट नहीं है कि हम पहला पढ़ लिए, हम पहला नहीं पढ़े तो क्या हुआ, हम सीधे फिफ्थ से शुरू करते हैं. नेवर डू दैट, आप दिक्कत हो जाएगा. तो इसलिए देर इज नो पोर्शन जो कि ज्यादा वेटेज देना है, ज्यादा फोकस करना है, एकदम इक्वल. यहां लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनी डाउट्स, होगा ना डाउट, सवाल बनाएंगे सब सवाल थोड़ी बन जाएगा, तब फिर क्या करेंगे आप, आई एम देयर. यही लिखे हैं, एनी डाउट्स डू नॉट वरी, आई एम देयर, ऑलवेज देयर. हम लोग तो वीक में एक दिन केवल डाउट ही क्लास करेंगे ना, आपके शिक्षक वहां पे आपको मदद करेंगे, उसके अलावा हम आपको एवरी वीक एक दिन आएंगे, आप डाउट्स पूछेंगे और हम यहां बनाएंगे. इसके अलावा भी अगर कोई विद्यार्थी हमको व्हाट्सएप मैसेज भी करेगा तो हम उसको हो सका तो, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा यहां पे इन्वॉल्व हैं, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम डाउट्स उसका क्वेश्चन हल करके दें. और जो इंटरेक्टिव सेशन होगा हमारा एवरी वीक, उसमें तो आप पूछिएगा ही, मन भर पूछिएगा, मन भर बताएंगे. सो जस्ट डोंट बॉदर अबाउट द डाउट्स. एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हम आपको जवाब नहीं देंगे. एनीथिंग अंडर द सन आई विल आंसर, बी रिलैक्स. हमने बहुत बड़ा एसेट है ना आपके पास, माने कोई तो है ना, आप जानते हैं बैकअप है कि हम अगर दिक्कत हुआ तो सर इज देयर, सो इट इज अ बिग एसेट. यहां लिखे हैं डायरेक्टिव फॉर द सपोर्ट इंचार्ज, जो वहां पे शिक्षक होंगे आपके साथ होंगे वहां पे थ्रू आउट द लेक्चर्स, उनको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई बच्चा नोट्स उतारना चाहता है तो उस समय पॉज किया जाए, या पूरा लेक्चर समाप्त होने के बाद भी रिवाइंड किया जाए ताकि वो नोट्स उतार सके. सो द सपोर्ट इंचार्ज मस्ट टॉक टू द स्टूडेंट्स एंड आस्क देम इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम. चलिए अभी हम लोग यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं. ऑल द बेस्ट, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग का ये बड़ा ही, ये जो हम लोग स्टार्ट किए हैं विद अ वेरी गुड मोटिव, कि हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरा फिजिक्स और मैथमेटिक्स और यहाँ पे गुड क्वालिटी केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लेक्चर्स सुन पाए, दैट इज़ द मोटिव, दैट इज़ द सोल मोटिव. सो लेट अस होप कि हम लोग इसको यूज़ कर पाएंगे. चलिए, ऑल द बेस्ट.